बच्चों, आज हम आपकी हिंदी व्याकरण तथा रचना का पाठ 5 लिंग पेज नंबर 20 पर दिए गए अभ्यास को करेंगे। आप सब बच्चे अपनी पेंसिल निकालेंगे और मेरे साथ साथ अभ्यास को करना शुरू करेंगे। अब देखिए, प्रश्न नंबर 1, निम्न शब्दों के लिंग बदलिए। यहाँ आपको पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं जिनका आपको स्त्रीलिंग बदलना है। पहला है बूढ़ा, क्या लिखेंगे आप? बूढ़िया। नंबर 2 पे है भाई, भाई का स्त्रीलिंग क्या होगा? बहन। बेटा, बेटा का क्या होगा? बेटी। अब है माली, माली का क्या होगा? मालिन। धोबी, धोबिन। चूहा, चूहिया। अब प्रश्न 2 है नीचे, निम्न वाक्यों को लिंग के आधार पर बदलिए। क भाग है पिताजी आ गए। इसका हमें क्या करना है? स्त्रीलिंग में बदलना है, माताजी आ गई। खा भाग घोड़ा तेज दौड़ता है। इसका वाक्य बदलेंगे हम, स्त्रीलिंग बनाएंगे, घोड़ी तेज दौड़ती है। ग भाग सांप बिल में रहता है। इसका स्त्रीलिंग बदलेंगे, सांपिन बिल में रहती है। अब बच्चों, पेज नंबर 20 पर नीचे प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, मौखिक प्रश्न। ये केवल आपकी जानकारी के लिए हम सिर्फ पढ़ेंगे, इनको आपको लिखना नहीं है। पहला प्रश्न है, लिंग से आप क्या समझते हैं? लिंग से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, जो शब्द स्त्री जाति या पुरुष जाति के बारे में बताते हैं उसे लिंग कहते हैं। ख भाग पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं? पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द पुरुष जाति के बारे में बताते हैं उसे पुल्लिंग शब्द कहते हैं। ग भाग स्त्रीलिंग शब्दों की क्या पहचान है? स्त्रीलिंग शब्दों की क्या पहचान है? इसका उत्तर है, जो शब्द स्त्री जाति के बारे में बताते हैं उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अब बच्चों, पेज नंबर 21, प्रश्न 2, अपने आसपास के वातावरण से 2 पुल्लिंग व 2 स्त्रीलिंग शब्दों का चयन करके बताइए। बच्चों, आपके घर के आसपास या अपने घर में जो 2 पुल्लिंग शब्दों को देखते हैं वे कौन से हैं? जैसे पिताजी, भाई, लड़का, ये क्या हैं? पुल्लिंग शब्द। अब 2 स्त्रीलिंग शब्द कौन से हैं? माताजी, दादी जी, बहन, लड़की, ये सब क्या हैं? स्त्रीलिंग शब्द। अब प्रश्न 3 है, निम्न शब्दों का लिंग के आधार पर मिलान कीजिए। आपको एक तरफ पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं और दूसरी तरफ स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं। अब पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों से मिलाना है। पहला शब्द है आदमी। आदमी, आदमी का क्या होगा? औरत। आदमी को किससे मिलाएंगे? औरत से। नंबर 2 है घोड़ा। क्या है? घोड़ा। घोड़ा को मिलाएंगे घोड़ी से। अब है
नंबर तीन पे बैल, बैल का स्त्रीलिंग क्या होता है? गाय। नंबर चार शेर, शेर का स्त्रीलिंग शेरनी। आदमी का औरत, घोड़ा घोड़ी, बैल गाय, शेर शेरनी। अब प्रश्न चार है, सही विकल्पों का चयन करके उन पर सही का चिन्ह लगाइए। अब प्रश्न एक है, लिंग के रूप हैं, हमें तीन विकल्प दिए गए हैं, क भाग, ख भाग और ग भाग। जो हमको ठीक लगता है उसके आगे हम सही का निशान लगाएंगे। लिंग के रूप हैं तीन, दो या चार। ख भाग हमें ठीक लग रहा है, लिंग के कितने रूप हैं? दो, तो हमें कहाँ निशान लगाने सही का? ख भाग पर। प्रश्न दो है, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द कहलाती हैं। विकल्प हैं स्त्रीलिंग, स्त्री जाति या पुल्लिंग। स्त्री जाति का बोध करवाने वाले शब्द कहलाती हैं स्त्रीलिंग। क भाग, क भाग पे आपको सही का निशान लगाना है। अब प्रश्न तीन है, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द कहलाती हैं। पुरुष जाति, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। ख भाग, पुल्लिंग। पुल्लिंग के आगे आपको सही का निशान लगाना है।